अस्सलाम वालेकुम, दिस अलीम फ्रॉम स्किल्स एकेडमी। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि गूगल पायरेट पेनल्टी क्या होती है। तो गूगल पायरेट पेनल्टी जो है वो बेसिकली जो पायरेट वेबसाइट्स हैं उन्हें डी रैंक करने के लिए बनाई गई थी, और इसे लॉन्च किया गया था अगस्त 2012 में। तो इसके बनाने का मकसद ये था कि जो DMCA की रिपोर्ट्स होती हैं वेबसाइट्स की, मतलब ये कि वो उसमें बताते हैं कि ये पेज जो है ये कॉपीड कंटेंट यूज़ कर रहे हैं। कॉपीड कंटेंट से मुराद वीडियोस हो सकती हैं, पायरेटेड गेम्स हो सकती हैं, मूवीज हो सकती हैं, ड्रामे हो सकते हैं। तो गूगल जो है वो उन्हें सर्च रिजल्ट्स में दिखाना खत्म कर दे और उनकी बजाय ऐसी वेबसाइट प्रमोट करे जहां से वो गेम्स फिल्म्स वगैरह परचेज की जा सकें लेगिट वे से। तो बेसिकली इसके चार काम हैं, वो ये कि इलीगल जो वेबसाइट्स हैं उनके बदले लीगल वेबसाइट दिखाए जाएं, उसके अलावा जो इस तरीके की वेबसाइट्स हैं इन्हें गूगल एड्स वगैरह में प्रमोट ना किया जा सके, और उसके अलावा जो कॉपीराइट इन्फ्रिंजिंग वेबसाइट्स हैं उन्हें स्वेप से खत्म किया जा सके, और उसके बाद जो फॉल्स एक्यूजेशन है मतलब लीगल कंटेंट के खिलाफ उन्हें अच्छी तरह से देखा जाए, और अगर वो फॉल्स हैं तो फिर उन्हें खत्म कर दिया जाए। तो बेसिकली अगर आप गूगल के ऊपर जाएं और यहाँ पे लिखें सी मूवी का नेम राइज ऑफ गार्डियंस वॉच ऑनलाइन, तो ये वेबसाइट आ रही है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि परचेज करो, उसके अलावा यहाँ पे भी कह रहे हैं कि परचेज करो, यहाँ पे भी कह रहे हैं परचेज करो, यहाँ पे भी कह रहे हैं परचेज करो, और यहाँ पे भी कह रहे हैं परचेज करो। तो आज से जब हम चंद साल पहले सर्च करते थे तो यहाँ पे हमें पायरेटेड मूवीज जो हैं उनकी वेबसाइट शो होती थी, लेकिन अब वो चीज़ शो नहीं होती, अब सिर्फ लीगल वेबसाइट शो होती हैं। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह।